प्लॉट साइज 15x30, टोटल प्लॉट एरिया 450 स्क्वायर फीट। तो ये हमारा जो प्लॉट का साइज है 15x30, टोटल प्लॉट एरिया 450 स्क्वायर फीट का है, जो कि ग्राउंड फ्लोर प्लान का हमने डिजाइन किया है। जो ये आप देख रहे हैं स्केल 1x100 में ड्रा किया गया है, जो ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है। और इसमें जो है हमने ये गेट लगा रखा है सामने से, और इसमें पोर्च से ही एक छोटा सा स्टेयर केस बनाया है, जो कि ये स्टेयर हमने 2.5 फीट विड्थ का, जो कि प्लाट साइज हमारा 15x30 है, उसके रेशियो में हमने जो है 2.5 फीट विड्थ का एक जो स्टेयर यहाँ से अप करते हैं कि इधर अब जब जाते हैं तो यहाँ हमें 7 फीट की हाइट मिल जाती है जी। तो 7 फीट की जब हाइट मिलती है तो यहाँ हमने एक इसके नीचे जो है गेट लगा रखा है अंदर जाने के लिए। आप ये देख रहे हैं ये एरो बना हुआ ऊपर जाने के लिए, और यहाँ पे हम अंदर जाते हैं तो हमें फिर ड्राइंग रूम के लिए इधर एक ये दरवाज़ा लगा हुआ है, और ये विंडो लगी हुई है ड्राइंग रूम की, ये ओपन टू स्काई है जी, ये ओपन टू स्काई है। और यहीं पर हमने जो है बाथरूम और टॉयलेट का जो है, ये हमारा टॉयलेट है सेपरेटली, और ये बाथरूम है 4x5 का, ये 4x3.5 का टॉयलेट है। तो इसका जो है हमने डिजाइन कर रखा है। ये ड्राइंग रूम है हमारा, ये आप देख रहे हैं सोफा पड़ा हुआ है, और ये हमारा डोर है जो कि आप देख रहे हैं ये अंदर की ओर जाते हैं तो हमें पूजा रूम मिलता है। छोटा सा पूजा रूम का हमने प्लान किया है, इसमें डिजाइन किया हुआ है। और एक ये छोटी सी लॉबी है जिसमें डाइनिंग टेबल पड़ी हुई है, और ये 4 फिट विड्थ की, लगभग 4 साढ़े 4 फिट की। और ये हमारा किचन है 5.5x6 का, जो ये आप देख रहे हैं इसमें ये सिंक लगी हुई है, और एक ये विंडो लगी हुई है जो कि गेट से अंदर जब अंदर जाते हैं तो गेट से हमें जो वेंटिलेशन मिलता है ये यहाँ से मिल जाता है इसको। और फिर अंदर लॉबी है, और ओपन टू स्काई यहाँ पर भी है, 4x4 फुट का ओपन टू स्काई है। और ये बेडरूम है हमारा 10.5x9 का, ये बेडरूम से बड़ा एरिया है थोड़ा इसका। आप ये देख रहे हैं ये बेड पड़ा हुआ है, और इसी से हमने स्टोर दे रखा है 5.5x5 फिट का, ये स्टोर रूम है जो कि ये दरवाज़ा है। बेडरूम से ही इसका हमने दरवाजे का डिज़ाइन किया हुआ है, दरवाज़ा लगा रखा है जो कि आप ये देख रहे हैं डी। और एक छोटा सा वेंटिलेशन यहाँ पर लगा है जो कि इसको वेंटिलेशन मिलने के लिए, रोशनी मिलने के लिए जी। तो ये हमारा था ग्राउंड फ्लोर प्लान। और इसका जो है ये जो फ्रंट एलिवेशन है, ये आप देख रहे हैं फ्रंट एलिवेशन स्केल 1x100 में डिजाइन किया गया है, जो सामने से देखने में ऐसे लग रहा है जो कि सामने से ये हमारा गेट है, क्योंकि ये गेट है और इसके ऊपर हमने ये जो है ग्रिल लगा रखी है। ये दो वेंटिलेशन है जो कि ऊपर हाइट में जो हमारी छत होगी उसके जस्ट नीचे जो है दो वेंटिलेशन छोटे छोटे लगे हैं जो बाहर साइड की ओर होंगे। और ये हमारा जो विंडो है वो स्टेयर का है जी। ये देख रहे हैं आप, ये जो हमारा फ्रंट एलिवेशन है देखने में ऐसा लग रहा है जी। तो ये ग्राउंड फ्लोर प्लान 15x30, टोटल प्लॉट एरिया 450 स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर प्लान, क्योंकि इसमें 1 बेडरूम 1 किचन 1 WC 1 बाथ 1 लॉबी 1 ड्राइंग रूम छोटा सा और स्टेयर और 2 OTS का प्लान किया हुआ है हमने। तो ये हमारा था ग्राउंड फ्लोर प्लान जो आप ये देख रहे हैं। ये हमारी जो वॉल्स की थिकनेस हैं 4.5 इंच की हैं, और ये हमने कॉलम का डिज़ाइन कर रखा है। इसमें कॉलम बेस पे अगर बनाएंगे तो आराम से जो है 4.5 इंच की वॉल से हम इसका डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा था रेजिडेंशियल हाउस प्लान, प्लॉट साइज 15x30, टोटल प्लॉट एरिया 450 स्क्वायर फीट। Don't forget like and subscribe. Thank you.